स्ट्रेट बाल किसको पसंद नहीं होते, सभी को बहुत पसंद होते हैं। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है स्ट्रेट बालों के साथ। आप तुरंत ही कोई भी हेयर स्टाइल या खुले ही करके चले जाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए हर लड़की स्ट्रेट बालों के पीछे ही भागती है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप पार्लर जाके हज़ारों रुपए खर्च नहीं करना चाहते हो, घर बैठे ही बहुत सस्ते में आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप भी अगर अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हो और स्ट्रेट के साथ साथ उनको शाइनी, सॉफ्ट, सिल्की और फ्रिज फ्री बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें मैं कोकोनट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट का जो कोकोनट मिल्क मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप घर पे इसको बनाएंगे तो ज़्यादा प्योर बनेगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके बालों के लिए। तो मैं तो इसको घर में ही तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मैंने नारियल को तोड़ के उसके कुछ पीसेस ले लिए हैं और उनको पानी से साफ़ कर लिया है। अब हमें इनको पीसना है। पीसने के लिए मैं मिक्सी का यूज़ कर रही हूँ। उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और फिर इनको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान सकते हैं या फिर आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं इसको छानने के लिए, और आपको कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। अब हम कोकोनट मिल्क को गरम करेंगे, इसको उबाल आने तक इसको गरम करेंगे, और साथ ही साथ इसमें एक चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर का, और इसको आप चलाते जाइए जिससे कि कोई भी लम्स ना पड़े। और ये जो मिल्क है ये अपने आप गाढ़ा होता जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगी। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, अभी और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गई हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, जिससे कि ये बालों में लगाने में बड़ी आसानी रहेगी, आसानी से बालों में लग जाएगी। तो चलिए अब इसको बालों में लगा के देखते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए और फिर बालों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। और जैसे कि हम मास्क लगाते हैं या कोई भी पैक लगाते हैं, वैसे ही इसको एंड तक अच्छे से लगाएंगे, पूरे बालों में अच्छे से इस क्रीम को लगा लेंगे। इस पैक को आप बालों में आधे घंटे तक लगा के रखिए और इसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। जब ये पैक पूरे बालों में लग जाएगा तो आप अपने बालों में कॉम्ब जरूर कीजिए। जैसे कि मैंने किया है वैसे ही आपको अपने बालों में कॉम्ब करना है। तो ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हो बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितने, इसको बनाना कितना आसान था, इसको लगाना कितना आसान था, मतलब सारी प्रोसेस ही बड़ी आसान थी। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं तो आप इसको वीक में 2 बार ट्राई कीजिए, और अगर आपके मेरे जैसे बाल हैं तो आप इसको सप्ताह में 1 बार ज़रूर लगा के देखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा 1 बार, क्योंकि घर की चीज़ों से बन जाएगा, नारियल रहता ही है, कॉर्नफ्लोर सबको मिल ही जाता है। तो इसको ज़रूर बनाना, ज़रूर लगा के देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा रिज़ल्ट आप लोगों को मिला। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप प्रेस कर देंगे तो वो रेड से ब्लैक हो जाएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको टाइम पे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।